नमस्कार, बिहार अपडेट्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पटना नगर निगम के जलापूर्ति शाखा में, यानी मिलर स्कूल मैदान के ठीक बगल में। आप हमारे ठीक सामने यहां देख सकते हैं कई कौवे मरे पाए गए हैं यहां पे इस जलापूर्ति शाखा के पास। तकरीबन अभी 4 कौवे को बरामद किया गया इस पूरे कैंपस से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पटना नगर निगम का जलापूर्ति शाखा है और इसी कैंपस में कई कौवे मरे हुए पाए गए हैं, जिसकी जांच भी की जा रही है। यहाँ पे कुछ दिन पहले पटना जू को बंद कर दिया गया था, वहाँ कुछ मोर मरे थे जिसकी जांच की गई तो बर्ड फ्लू पाया गया था, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था उसमें, जिसे साफ पता चल गया था कि बर्ड फ्लू है, उसकी मौत हो रही है, इसलिए जू को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से जो यहाँ पे जांच चल रही है, जो कौवे की जांच कर रहे हैं, यहाँ टीम आई हुई है, वेटनरी क्लिनिक की टीम आई हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो वैन है इसमें पूरा इक्विपमेंट था जिसे निकाल कर यहाँ पे अब जांच किया जा रहा है कौवे का। और इस पूरे कैंपस में तकरीबन अभी 4 कौवे मरे हुए पाए गए हैं, कई और कौवे की मरने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे कैंपस की अगर जाँच की जाए जी तो दर्जनों कौवे मिल सकते हैं। फिलहाल जो एक समस्या है बर्ड फ्लू की, वो बढ़ती नज़र आ रही है राजधानी पटना में, क्योंकि यहाँ इसी जलापूर्ति शाखा से पटना के कई इलाकों में पानी जाता है, लोगों के घर तक पानी जाता है, और इसीलिए सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा खासकर राजधानी पटना में बढ़ता नज़र आ रहा है। सहयोगी सूरज कुमार के साथ सुजीत कुमार, बिहार अपडेट्स पटना।